फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैथमेटिक्स बाय इंद्राणी सर। और आज हम बात करने वाले हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म के एक टॉपिक की जिसका नाम है चेंज ऑफ स्केल। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म में बहुत अलग अलग कंसेप्ट है, समझ में आ गया ना, जैसे कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गई, मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेस्टूडेंट, डिविजन बाय टी, लैपलेस ऑफ इंटीग्रल हो गया, लैपलेस ऑफ डेरिवेटिव हो गया। ऐसे ही एक छोटा सा कंसेप्ट है चेंज ऑफ स्केल, समझ में आ गया। समय पहले मैं बताऊंगा चेंज ऑफ स्केल का क्वेश्चन कैसे पहचाना जाता है कि भाई लैपलेस ट्रांसफॉर्म ना उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे कंसेप्ट है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो समय पहले मैं बताऊंगा कि भाई चेंज ऑफ स्केल का क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, और फिर बाद में हम समझेंगे उसको सॉल्व करने का तरीका, और फाइनली हम लोग एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं कैसे चेंज ऑफ स्केल का क्वेश्चन पहचाना जाता है। जैसे कि आपको पता चल गया है कि चेंज ऑफ स्केल लैपलेस ट्रांसफॉर्म का एक क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन में लैपलेस ऑफ एफ ऑफ एटी बोला जाता है फाइंड आउट करने के लिए, ध्यान से देखो, या लैपलेस एफ ऑफ टू टी या लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टू रूट टी, अगर ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग समझ जाने का कि ये क्वेश्चन है चेंज ऑफ स्केल का। नॉर्मली देखो ऐसा बोला जाता है ना, लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी होता है, लेकिन इधर एफ ऑफ टी नहीं, एफ ऑफ एटी, टी के साथ क्या होगा पता है ना, कोई कोएफिशिएंट होगा, एटी टू टी थ्री टी टू रूट टी, समझ में आ गया। अगर ये टाइप का क्वेश्चन आता है तो समझ जाने का भाई क्वेश्चन है चेंज ऑफ स्केल का, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन पहचानना बहुत आसान है चेंज ऑफ स्केल का। अब समझ लेते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका, ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं। इफ लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, अगर लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस है, देयरफोर ध्यान से देखो लैपलेस ऑफ एफ ऑफ ए टी क्या होगा। आप लोग को पता है ना, जब भी हम लैपलेस निकालेंगे एफ ऑफ टी का तो आंसर एस के फॉर्म में आता है। तो एफ ऑफ टी का अगर लैपलेस एफ ऑफ एस है तो देखो इसका लैपलेस क्या होगा, बहुत आसान है। एक्चुअली क्या है पता है क्या, चेंज ऑफ स्केल में क्या होता है पता है ना, जो भी चीज टी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, जो भी चीज टी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो एस में क्या होगा पता है क्या, डिवाइड होगा। आप लोग को पता रहेगा टी बोले तो टाइम डोमेन होता है और एस बोले तो फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है। तो अगर कोई चीज टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई हो रही है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिवाइड होता है। तो इधर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ए मल्टीप्लाई हो रहा है टी के साथ, ए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ए को क्या करने का, डिवाइड करने का। दैट्स इट। कितने जगह पे डिवाइड करने का, तो दो जगह पे डिवाइड करने का, ध्यान से देखो, एक तो पूरे आंसर में डिवाइड करने का वन अपॉन ए, और एक लैपलेस के आंसर में जिधर भी ऐसे उधर s बाई ए, बहुत आसान है। ये है तुम्हारा चेंज ऑफ स्केल। अगर f ऑफ t का लैपलेस f ऑफ s है तो f ऑफ at का क्या होगा, देखो इधर t के साथ कोएफिशिएंट वन है, इधर t के साथ कोएफिशिएंट a है, तो इधर t के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर इधर t के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर s के साथ a को डिवाइड करने का, इसको बोला जाता है चेंज ऑफ स्केल। अगर कोई चीज टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई हो रही है तो उसका इफेक्ट फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिवीजन होता है। तो इधर a मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर a को क्या करो, डिवाइड करो, लेकिन डिवाइड कितनी जगह पे करने का, दो जगह पे, एक तो पूरे आंसर में वन अपॉन a, सही है, और फाइनली जिधर भी लैपलेस के आंसर में ऐसे उधर भी s बाय a, समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। एक्चुअली ना ये तो देखो ना मैथ्स की थ्योरी हो गई, मैं अभी प्रैक्टिकल कराऊंगा ना, बोले तो सम्स कराऊंगा ना, तो आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आएगा, काम बहुत आसान है। खाली मैं छोटा सा बता देता हूं, आप लोग याद रहेगा ना चेंज ऑफ स्केल का क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे, तो आपको बोला जाएगा फाइंड लैपलेस ऑफ ए टी एफ ऑफ टू टी एफ ऑफ टू रूट टी, और प्लीज इसको कैसे सॉल्व करने का, बहुत आसान है, जो भी चीज टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको क्या करने का, फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिवाइड करने का, कितने जगह पे, दो जगह पे, एक तो पूरे आंसर में और एक लैपलेस के आंसर में जिधर भी ऐसे उधर, समझ में आ गया। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखो, इफ लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, देन फाइंड लैपलेस ऑफ एफ ऑफ ए टी। देखो लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन है, आपको बोला गया है फाइंड लैपलेस ऑफ एफ ऑफ ए टी। चेंज ऑफ स्केल की एक अच्छी चीज क्या पता है क्या, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है,
ये जो होता है ना एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, ये क्वेश्चन में दिया रहता है, अगर एफ ऑफ टी का लैपलास ये है तो आप लोग ये फाइंड आउट करो। समझ में आ गया? तो उन लोग ने भी देखो एफ ऑफ टी का आपको लैपलास दिया हुआ है 1/s² + 1 और आपको बोला है लैपलास ऑफ एफ ऑफ ए टी फाइंड आउट करो। देखो कैसे फाइंड आउट कर रहा हूं, सोल्यूशन बहुत आसान है प्लीज। तो भाई लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1/s² + 1 गिवन है, ये तो दिया हुआ है। देयरफोर लैपलास ऑफ एफ ऑफ ए टी क्या होगा, देखो टी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ए मल्टीप्लाई हो रहा है। ध्यान से देखो टी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ए। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, डिवाइड होगा। देखो ए मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड, कितने जगह पे, दो जगह पे, एक तो पूरे आंसर में डिवाइड कर लो 1/a। और फाइनली जो लैपलास का आंसर है उसमें जिधर भी एस है उधर भी क्या करने का, एस बाय ए करने का। देखो एक तो पूरे आंसर में लैपलास के पूरे इधर, और एक लैपलास के आंसर में जिधर एस है उधर भी क्या जाएगा, एस बाय ए। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा, दो जगह पे डिवाइड। तो एक जगह पे मैंने डिवाइड कर लिया पूरे आंसर के साथ, अब लैपलास के जो आंसर है उसमें जिधर एस है उसके अंदर क्या डालो, एस बाय ए। ध्यान से देखो 1/, देखो इधर एस है तो एस बाय ए द होल स्क्वायर प्लस 1। कैसे आया, तो इधर रीजन लिख दो बाय चेंज ऑफ स्केल, बहुत आसान। समझ में आ गया? अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये तो हो जाएगा तुम्हारा क्या बताओ 1/a 1/, ये तो 1/ ऐसे रहेगा, इसको सिंप्लीफाई करो, स्क्वायर दोनों को जाएगा s² / a² + 1। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो तो ये 1/a तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये ए स्क्वायर इधर एलसीएम होगा और ये पूरा ऊपर जाएगा तो क्या होगा, a² / s² + a² फाइनली a और ये कैंसिल, आंसर आपको आएगा a/s² + a² ये है तुम्हारा लैपलास ऑफ एफ ऑफ ए टी। समझ में आ गया, पक्का इतना आसान है चेंज ऑफ स्केल। समझ में आ गया? तो लैपलास ट्रांसफॉर्म में चेंज ऑफ स्केल का क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे, ऐसे टर्म्स आएंगे आप लोगों को। समझ में आ गया? अच्छा, सॉल्व करने का तरीका, जो भी चीज टी से मल्टीप्लाई हो रही है उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिवाइड करो, लेकिन प्लीज बच्चे भूल जाते किधर कितनी जगह डिवाइड करते हैं, दो जगह, एक तो पूरे आंसर में डिवाइड करना पड़ता है और लैपलास के आंसर में जिधर भी एस है उधर भी क्या करना पड़ता है, एस बाय ए लिखना पड़ता है। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सही है। चेंज ऑफ स्केल का मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक क्या चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो प्लीज, ये चेंज ऑफ स्केल कब काम करता है पता है? जैसे आप 1/ एफ ऑफ एस बाय ए लिख सकते हो, कब कर सकते हो पता है? ध्यान से देखो, जब कोएफिशिएंट ऑफ टी चेंज होता है, जब कोएफिशिएंट ऑफ टी चेंज होता है ना, तब आप ये काम कर सकते हो। जैसे देखो टी का कोएफिशिएंट कितना है, इधर कुछ नहीं है बोले तो 1 है, टी का कोएफिशिएंट 1 है, इधर क्या है टी का कोएफिशिएंट ए, 1 था ए हो गया, क्वेश्चन क्या हो गया, सॉरी कोएफिशिएंट चेंज हो गया, तो आप लोग कर सकते हो, याद रहेगा। तो चेंज ऑफ स्केल के लिए एक नोट कर लो आप, कोएफिशिएंट ऑफ टी क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। अच्छा ये क्यों बता रहा हूं पता है, कभी कभी एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आ जाता है, अब मैं उसकी बात करता हूं, आप लोग ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आप लोगों का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा चेंज ऑफ स्केल का, ध्यान से देखो प्लीज। तो ध्यान से देखो, एक और सम समझ लेते हैं और सम के अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन आया है इफ लैपलास ऑफ एफ ऑफ रूट टी इज इक्वल टू 1/s+1, सही है, और आपको बोला गया है फाइंड एफ ऑफ लैपलास ऑफ एफ ऑफ 2√t, ये बोला गया है फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा अभी आप लोग देखोगे और बोलोगे ना सर ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा चेंज ऑफ स्केल का, क्योंकि ये चेंज ऑफ स्केल की टेक्निक है ना, एफ ऑफ लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी देते हैं ऐसा, और आपको बोला जाता है ए टी 2t ये सब फाइंड आउट करो, तो चेंज ऑफ स्केल से फाइंड आउट हो जाएगा। और आप लोग बोलोगे कैसे सॉल्व होगा, तो बहुत आसान है, आप लोग बोलोगे सर इधर क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर 2 क्या करो, डिवाइड कर दो, किधर 2 डिवाइड करो, एक तो 1/2 करो, और लैपलास के आंसर में जिधर भी एस है उधर भी क्या करो, s/2 कर दो, सब सिंपल है। नहीं लेकिन इतना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इतना आसान नहीं है। क्या प्रॉब्लम पता है क्या, अभी थोड़ा देर पहले मैंने आप लोग को बताया था चेंज ऑफ स्केल कब इस्तेमाल होता है पता है ना, जब कोएफिशिएंट ऑफ टी चेंज होता है तभी चेंज ऑफ स्केल का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। इधर देखो टी का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, इधर टी का कोएफिशिएंट कितना है, ए, तो कोएफिशिएंट चेंज हो गया ना, 1 था इधर क्या हो गया, ए। अगर कोएफिशिएंट ऑफ टी चेंज होता है इसका मतलब चेंज ऑफ स्केल एप्लीकेबल है। लेकिन इधर आप लोग देखोगे ना, इधर कोएफिशिएंट ऑफ टी क्या है, टी के साथ कितना है, 1 है, ध्यान से आप लोग देखो, इधर कोएफिशिएंट ऑफ टी क्या है, 2 नहीं है, 2 तो रूट के बाहर है ना, इधर कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो इधर भी कोएफिशिएंट 1 है, इधर भी कोएफिशिएंट 1 है, चेंज ऑफ स्केल एप्लीकेबल ही नहीं है।
तो आप लोग जो बोल रहे हैं ना टू इधर डिवाइड कर देंगे आंसर में इसके, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि चेंज ऑफ स्केल सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ टी चेंज हुआ ही नहीं है, तो इसको फिलहाल मैं चेंज ऑफ स्केल से सॉल्व नहीं कर सकता। चेंज ऑफ स्केल से सॉल्व करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ टी चेंज होना चाहिए, जैसे इधर हो रहा था वन था ए हो गया, लेकिन इधर भी वन है इधर भी वन है, कोएफिशिएंट ऑफ टी चेंज नहीं हुआ, चेंज ऑफ स्केल से सॉल्व नहीं होगा, तो कोई और तरीके से सॉल्व होगा नहीं, प्रॉब्लम है ना, कोई और तरीका इधर काम ही नहीं करेगा। तो ध्यान से देखो, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है रूट वाला, खास करके चेंज ऑफ स्केल में, कोएफिशिएंट ऑफ चेंज नहीं हुआ है टी, तो चेंज ऑफ स्केल से एप्लीकेबल नहीं होगा, तो आप लोग खुद से कोएफिशिएंट ऑफ टी को चेंज करो विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। बोलने का मकसद है अंडर रूट अगर 4s एग्जांपल, तो आप लोग क्या कर सकते हो, 4 को बाहर निकाल सकते हो ना, 2 रूट एस ऐसा लिख सकते हो, 4s है तो 4 बाहर आ गया रूट के 2 रूट एस। सिमिलरली अगर ऐसा दिया तो ऐसा लिख सकते हो ना आप लोग, सेम काम इधर ही करने का। ध्यान से देखो, ये 2 बाहर है ना, इसको रूट के अंदर डाल दो, क्वेश्चन का मीनिंग भी चेंज नहीं होगा। जब रूट के अंदर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर कोएफिशिएंट ऑफ टी चेंज हो जाएगा। इधर कोएफिशिएंट ऑफ टी क्या है, 1 है, और ये 2 अंदर जाने के बाद कोएफिशिएंट ऑफ टी कितना हो जाएगा, 4, कोएफिशिएंट ऑफ टी चेंज हो गया, इसका मतलब चेंज ऑफ स्केल एप्लीकेबल हो गया। समझ में आ गया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान से देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। प्लीज आई होप आप लोगों को समझ में आया है सोल्यूशन। ध्यान से देखो, लैपलास ऑफ एफ ऑफ रूट टी उन लोग ने दिया हुआ है, आंसर है 1/s+1, देयरफॉर लैपलास ऑफ एफ ऑफ 2√t इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट मैं डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ टी चेंज नहीं हुआ है, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो लैपलास ऑफ एफ ऑफ, मैं 2 को अंदर लेके जा रहा हूं, तो जब 2 रूट के अंदर जाएगा तो 4t हो जाएगा। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ टी चेंज हुआ है क्या, हाँ इधर 1 था इधर 4, अब चेंज ऑफ स्केल एप्लीकेबल है, तो इधर टी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 4। अब ये मत बोलो सर रूट 4 नहीं, ये भी रूट टी में है ये भी रूट में है, तो टी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 4, तो इधर क्या होगा, 4 डिवाइड कितने जगह पे, 2, एक तो पूरे आंसर के लिए करना पड़ेगा 1/4, और लैपलास के आंसर में जिधर भी ऐसे उधर भी करना पड़ेगा 4। समझ में आ गया, रीजन लिख सकते हो बाय चेंज ऑफ स्केल, सही है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये 1/4 है, ये 4 इधर आ जाएगा, और ये जो डिनोमिनेटर का 4 है ऊपर, तो 4/s+4, सही है, कैंसल कैंसल, फाइनल आंसर आएगा 1/s+4। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक पूरा क्लियर हुआ है चेंज ऑफ स्केल का, कैसे क्वेश्चन आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, और कैसे सॉल्व किया जाता है, A to Z सारी चीजें मैंने बता दिया हूं। समझ में आ गया? अच्छा, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया ना, तो चांसेस है ये क्या कैसा क्वेश्चन आएगा पता है, इसको ना प्रॉपर्टी के साथ मिक्स करके आप लोगों को समझ दे देंगे, जैसे कि ये मिक्स कर देंगे फर्स्ट शिफ्टिंग के साथ, या तो इसको मिक्स कर देंगे मल्टीप्लाई बाय टी रेशियो, मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, आप लोग उसको क्या कर देना, सॉल्व कर देना, क्योंकि सम बहुत आसान होगा। समझ में आ गया? ध्यान से देखो, खाली मैं बता रहा हूं, ये पूरा कंसेप्ट हो गया अपना, खाली मैं बता रहा हूं कि चेंज ऑफ स्केल का क्वेश्चन उन लोग मिक्स कर देते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग मल्टीप्लाई बाय टी रेशियो या डिविजन बाय टी पे, वो कैसा होता है ध्यान से देखो अभी आप लोग, हाँ ध्यान से देखो एक क्वेश्चन, If Laplace of f of t is equal to 1/s²+1, मैंने बोला ना चेंज ऑफ स्केल में आपको Laplace of f of t दिया जाएगा, और आपको इधर देखो क्या बोला है, find Laplace of e^2t into f(at). अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग को देख के पता चल रहा है ना भाई, 2 फंक्शन है, बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है, उसमें से एक टर्म एक्सपोनेंशियल, तो ये क्वेश्चन किसका है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या बोलता है, ये ऑपरेटर है, इसको भूल जाओ, बचे हुए टर्म का लैपलास निकालो। समझ में आ गया ना, ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का तरीका है। अगर जिन लोगों को फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम नहीं आता, तो मेरे वीडियोस अवेलेबल है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पे, मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेशियो पे, डिवीजन बाय टी पे, तो आप लोग देखो, आप लोग का प्रॉपर्टी का कंसेप्ट क्लियर होगा। ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी का है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोलती है इसको भूल जाओ, बचे हुए टर्म का लैपलास निकालो, और जो भी लैपलास का आंसर है उसमें एडजस्टमेंट करो। तो मेरे को बताओ इसका लैपलास आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्टिंग का है, लेकिन फर्स्ट शिफ्टिंग के अंदर जो आप लोगों को लैपलास निकालना पड़ेगा, मेरे को बताओ ये लैपलास कैसे निकालोगे। तो भाई ये लैपलास आप लोग निकालोगे चेंज ऑफ स्केल से। समझ में आ गया? तो लैपलास निकालो चेंज ऑफ स्केल से, और उसके अंदर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कर दो। समझ में आ गया? कभी कभी क्वेश्चन आएगा लैपलास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ ए टी, देखो ये क्वेश्चन है मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेस टू एन का,
मल्टीप्लाई बाय टी रेशियो एन बोलता है, ये टी वाले टर्म को भूल जाओ, बचे हुए टर्म का लैपलास निकालो, ये कैसे आएगा? तो ये आएगा आप लोगों का चेंज ऑफ स्केल से। समझ में आ गया? तो ऐसा चेंज ऑफ स्केल का क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्टिंग या तो मल्टीप्लाई या तो इन शॉर्ट प्रॉपर्टी के साथ मिक्स करके आप लोगों को आ सकता है। तो आप लोग आराम से सॉल्व कर दो, थोड़ा सा नॉलेज रहेगा प्रॉपर्टी का, बाकी चेंज ऑफ स्केल तो मैंने बता दिया, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? तो प्लीज आई होप, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं पढ़ाने के लिए, आप लोग भी पूरा वीडियो अच्छे से देखो और इसको रिवाइज करो ताकि आपका भी काम अच्छा हो जाए। समझ में आ गया? तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।